बोलना रेडी बोल। रेडी। प्यारे देशवासियों, भाइयों, बहनों, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं गोसेवा परिवार की ओर से अजय भरतिया आज एक गंभीर विषय पर आप सबके बीच चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, कोरोना नामक यह महामारी पूरे देश में दूसरे वेव के रूप में आज फैल रही है। हजारों लाखों लोगों की को अपने ग्रास में ले रही है। हमें इसके विषय में कुछ गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है। इसके कुछ आध्यात्मिक समाधान के विषय में चर्चा करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। इस महामारी के पीछे कहीं न कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। हमने प्रकृति से मुंह मोड़ लिया था। हम शहरों की ओर दौड़ रहे थे, गांवों को हमने छोड़ दिया था, वृक्षों को लगाना हमने छोड़ दिया था, आयुर्वेद से हमने मुंह मोड़ लिया, हमारे जीवन जीने की जो पद्धतियां थी उससे हमने मुंह मोड़ लिया, और उसका परिणाम हुआ हमारी इम्यूनिटी घटती गई। और उस घटती हुई इम्यूनिटी भी एक कारण है आज इस कोरोना की भयावहता का। आज हमारा चारों तरफ जो हमने पर्यावरण का नुकसान किया, नदियों का नुकसान किया, समुद्रों का नुकसान किया, जैविक खेती को समाप्त किया, वो भी कारण है आज इसकी भयावहता का। और सबसे बड़ा कारण है हमारे द्वारा जो जीव जंतुओं, मूक प्राणियों पर जो अत्याचार हुए, उसके कारण सूक्ष्म जगत में आज उद्वेलन है। और प्रत्येक वर्ष कोई न कोई आपदा इस देश में आ रही है, और इस बार ये जो कोरोना नामक जो आपदा आई है, आप गौर से देखिएगा, ईश्वर की बनाई हुई 84 लाख योनियों में से केवल एक योनी मनुष्य पर यह आपदा आई है, क्योंकि मनुष्य यह अहंकार में चूर हो गया था कि वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सृष्टि का मालिक है, वही सृष्टि का नियंत्रण करता है, वो जैसे चाहेगा वैसे सृष्टि को नचाएगा। और उस कारण, उसके इस अहंकार के कारण आज हम मनुष्यता के इस घोर संकट में आए हैं। अब इसका एक निदान हमें सोचना होगा, और इसका निदान भी सूक्ष्म जगत में है। हमें जो हमारे कोरोना वॉरियर्स लोग चारों तरफ कहीं ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, कहीं भोजन पहुंचाने का, कहीं दवाइयां पहुंचाने का, उस कार्य के साथ साथ जो लोग हम लोग घरों में बैठे हैं, जो माताएं बहनें घरों में बैठी है, जो वृद्ध हमारे परिजन घरों में बैठे हैं, उनसे मेरा आग्रह है, बच्चों से मेरा आग्रह है कि हम सब मिल करके अपने अपने परिवार में नित्य, मैं कुछ मंत्र बता रहा हूं, उन मंत्रों का हम जाप करें तो सूक्ष्म जगत में जो ये उद्वेलन है ये शांत होगा। आपने भाइयों सुना होगा, जब जब युद्ध होता था भारत में, जो हमारे रणबांकुरे युद्ध लड़ने जाते थे, लेकिन उनकी छत्राणियां घरों में बैठ करके उनके आने तक तप और साधना किया करती थी। भगवान राम जब रावण के साथ युद्ध लड़ रहे थे तो हजारों ऋषि मुनि जंगलों में उनकी सफलता के लिए कामना और यज्ञ कर रहे थे। तो भारत में सदैव सूक्ष्म जगत के शोधन की, सदैव सूक्ष्म जगत के कार्य की हमारे यहाँ परिकल्पना रही है। और ये जो स्थूल जगत दिखाई पड़ रहा है, इसका नियंत्रण सूक्ष्म जगत में है। और हम सब आज संकल्प लें कि अब हम स्वयं शाकाहार का पालन करेंगे, स्वयं मांस मदिरा से दूर रहकर लोगों को संकल्प करवाएंगे, लोगों को पर्यावरण की तरफ मोड़ेंगे। और सूक्ष्म जगत के लिए आइए आज हम सब संकल्प लें। मैं मंत्र बता रहा हूं आपको। यदि हम हनुमान जी के साधक हैं और आप हनुमान जी की साधना करते हैं, तो हनुमान जी इस घड़ी में हमारे लिए बहुत बड़ा रोक देगा। हनुमान जी कलयुग के समस्त कष्टों का निवारण करने वाले देवता हैं। आइए हम लोग सभी कोई मिल करके कम से कम 125 करोड़ हनुमान जी की, हनुमान चालीसा की एक छोटी सी चौपाई का अंश है, बहुत सरल है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। इस चौपाई का हम लोग बार 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 1 करोड़ 125 करोड़ के आसपास हम लोग अपने इस प्रांत में जाप करने का क्रम बनाएं। और यदि हम दुर्गा जी के साधक हैं और माँ दुर्गा की साधना करते हैं, तो माँ दुर्गा का इस आपदा से संबंधित मंत्र है, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। मैं मंत्र फिर बोल दे रहा हूं, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। यदि भगवान शिव के आप साधक हैं, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप हम लोग करें। इन तीनों में से किसी भी एक मंत्र का हम संकल्प कर लें,
जिस भाई बहन को संकल्प करना है वो मुझसे फोन करके, फोन पर संकल्प मैं करवा दूंगा, हम लोग एक श्रृंखला बनाएं, स्वयं इसका जाप आरंभ करें, अपने पड़ोसियों को फोन के द्वारा प्रेरित करें, अपने परिजनों को प्रेरित करें, अपने मित्रों को प्रेरित करें, हमारा जहां जहां संपर्क है हम उनको इस जाप के लिए प्रेरित करें, हम टीवी में न्यूज में आ रही नकारात्मक खबरों की तरफ थोड़ा कम ध्यान दें, नहीं तो बार 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 वही न्यूज देखने से हमारा मन नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। और आपको मालूम होगा जितना कोरोना से नुकसान नहीं हो रहा है उतना बार बार इस कोरोना की न्यूज देखने के कारण हमारा नुकसान हो रहा है। हम आश्वस्त रहें, हमें इस युद्ध से जीतना है, इस कोरोना से जंग लड़ करके जीतना है, हम बाहर आएंगे, पुनः भारत विश्व का सिरमौर बनेगा, भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा, यह संकल्प लें। और प्रत्येक आपदा कोई ना कोई संकेत लेकर के आती है, हमें सचेत करने के लिए आपदा आई है, अब हम चेत जाएं, अब हम मुड़ चलें गायों की ओर, अब हम मुड़ चलें गांव की ओर, अब हम मुड़ चलें प्रकृति की ओर, यह संकेत हम स्वयं अपनाएं अपने जीवन में और अपने मित्र बंधुओं को प्रेरित करें और इन मंत्रों के जाप को आरंभ करें। और इसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई संदेह, कोई शंका, कोई समाधान आपको चाहिए तो आप मुझे फोन कर सकते हैं 8210024568, यह मेरा नंबर है, आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आइए इस कोरोना नामक जंग से हम लोग सब मिलकर के साथ लड़ें और आसपास के लोगों का सहयोग करें, सेवा करें, उनसे मुंह न मोड़ें, किसी का तिरस्कार न करें। कोई कोरोना पेशेंट हो गया है तो उसका हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परोक्ष अप्रोक्ष सहयोग करने का प्रयास करें। जय श्री राम, वंदे गो मातरम।